कल मैंने आप लोगों के लिए वर्णमाला बताई थी, आज मैं आप लोगों के लिए व्यंजनों को जोड़ना बताऊंगा। भाग नंबर अभ्यास नंबर दो, ये संकेत दीपीम का ये का है और ये ला है, ये दो प्रकार से लिखा गया है, या तो ये या इस तरह से, क्योंकि एक ला ऊपर से ही बनता है। जल, जल, बल, बल, तल, तल, दर, दर। इस तरह से अपन रा, रम, रा के मां के पहले अगर रा आता है तो जो अगर अधोगामी रूपी रा का उपयोग करते हैं, जो ऊपर से नीचे बनता है इस तरह से। रम, दम, ये दोनों एंगलों से बन सकता है, इस एंगल से ही बन जाएगा। दस, दस या दस, बस, बस, कश, कश, पच, पच, नच, नच, नम, नम, सम, सम, यम। इसमें इस वाले मां का उपयोग किया गया है जो बीच में से कटता है, परंतु अपन ने सुविधा के लिए इसको अंतम में काट लिया है, ये जो नाम मां पाने में आ गया यम। अब मैं आपके लिए तीन शब्दों के आपस में जोड़ना बताऊंगा। ये है कमल, क म ल, कमल। चमन, चमन। नमक, न म क, नमक। कफन, क फ न, कफन। मशक, म स क, मशक। कसम, क स म, कसम। जगत, ज ग त। कलम, ये दो प्रकार से बनेगा, पहला क ल म या क ल म। इसी तरीके से कलक, क ल क या क ल क। पन घट, पन घट, इसमें ये मां के लिए काट कर ना पढ़ा जाता है, क्योंकि जब कोई सब कोई जब मां जब बीच में कटता है तो ना पढ़ने में आता है, क्योंकि बनाने में ये काफी सरल है और इसमें पेंसिल सही घूम रही है, इस कारण अपन ने वो वरना ना लेते हुए ना उपयोग किया है, और ये भी बीच में कटता है घा, इसको बीच में काट दिया जाता है। खटमल, जब कोई शब्द ऊपर से नीचे वाला आता है तो अग्रगामी अक्षर अपने आप ऊपर चला जाता है, क्योंकि खा जो अग्रगामी है अपने आप ऊपर चला गया। ख ट म ल, खटमल। इसी तरीके से ये बर्तन है, ब र त न,